तुझे पता है तेरे पापा ने बहुत बड़ा तीर मारा है। अच्छा, तेरे पापा ने ना पंचम को रोकने के लिए धासु वाला आइडिया निकाला है। कौन सा आइडिया? पंचम जो है वो अगर जेल चला गया तो सरगम उसे कनाडा अपने साथ ना ले जा पाएगी, इसलिए मैंने उसकी बरसाती में चावल के डिब्बे में एक सोने की चेन रख दी है। फिर मैं पुलिस को बुला के उसे झूठे इल्जाम में चोरी के फंसवा दूंगा, फिर वो जेल चला जाएगा। ठीक है, I'm so proud of you, पापा, thank you. आंटी, हमारा आटा खत्म हो गया है और नाश्ते के लिए बिस्किट, पापे, डबल रोटी, नमकीन कुछ ना बचा, तो हम रसोई से दो चार पराठे ले ले। वो मैंने छटंकी भैया के लिए बना के रखी थी, पर कोई ना, तुम ले लो, मैं बाद में और बना लूंगी। ठीक आंटी। अपने भाई को इतना मत ठूस, फट जाएगा किसी दिन। लगा दी ना टोक मेरे भाई के खाने पे, मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरे अगर आजम खा रहा मुफ्त का, तू घी लगा लगा के उसे खूब सेक सेक कर खिला रही है पराठे। ये भी ना यार, कौन कौन से काम बताती रही थी बता, हमसे कह रही है टावल उतार लो, छटंकी खाली ये काम करेगा, टावल उतारने काम करेगा, फालतू वाली बातें कर रही है हमसे। चल भैया उतार, क्या करे, जीजी ने बोला तो करना ही पड़ेगा। फोन भी ना यार, बिना बखत अच्छा ना लगे छटंकी का। हाँ हेलो, बोल भैया। क्या कह रहे हैं, 500 रुपये? मैंने लिए 500 रुपये, कब लिए? हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, मान ना लिए, लिए मेरे भैया 500 रुपये लिए, मैं तेरे दे दूंगा, भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ यार, फालतू की बातें कर रहा है तू हमसे। अरे तो मैं तुझे 4 साल से बोल रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, टेंशन किस बात की ले रहा है तू, छटंकी को धमका रहा है फालतू का। कान काट देगा तू मेरे, नाक काट देगा आगे। अरे तो मेरा भैया कैसी बात कर दी यार, कैसी बातें कर रहा है, मैं अभी लेके पहुंच रहा हूँ तेरे पैसे, पहुंच रहा पहुंच रहा पहुंच रहा। बेटा छटंकी बरसाती में चोरी कर ले। पिंटू जी, पिंटू जी, पापा ने जीजा जी को रोकने के लिए बहुत ही धासु आइडिया निकाला है। सेठ जी ने आइडिया निकाला है? क्या मतलब, पंचम पे जादू टोना करना है? मैं सिर्फ फालतू आइडिया की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ एक सॉलिड आइडिया निकाला है। सॉलिड आइडिया? उत्तरी लाजी, पंचम के हाथ पैर तोड़ने का प्लान है क्या? नहीं दे यार, पैर वैर तोड़ो ना, तोड़ लियो, हाथ मत तोड़ियो, क्योंकि उसके हाथ टूट गए ना, तो यार सब उसके हाथों वाले काम मैं कैसे करूंगा, मतलब उसे खिलाना। अगर आप अभी चुप नहीं हुए तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगी। छटंकी बेटा, इस अलमारी में कुछ ना कुछ रखा होगा, चल देखते हैं भाई। अरे यार, इसमें तो लॉक लगा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज रखी होगी जो लॉक लगा के रखा है यार, फालतू की बात है। छटंकी, ज्यादातर औरतें ना पैसा चीनी और चावल के डब्बों में रखती हैं। इधर होगा, आजा बेटा। तो सुनो, पापा ने ना आपके चावल के डब्बे में ना सोने की चेन रखती है, तो ये कि पापा अरे चोरी के झूठे इल्जाम में जीजा जी को अंदर करवा देंगे, और एक बच्चे जेल में तो वो सरगम उन्हें कनाडा नहीं ले जा पाएगी। पंचम को जेल? अरे यार लहसी जी, धन्य है आप, धन्य है, मतलब मान गए आपको, दुनिया की पहली ऐसी बीवी है जो अपने पति को जेल भेजने की जुगाड़ में लगी है, कमाल है, मतलब आप सच बताए, मतलब क्या बोले आपके लिए हमारे पास शब्द ना बचे। जो हो गया सो हो गया, और ऐसे बड़े बड़े कामों के लिए ऐसे छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ऐसे बोल के मैंने अपने दिल को समझाया है। अब बस आप ना कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना, वरना ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? देखो जब ये बात खुलेगी ना, थोड़ा बहुत तमाशा होगा, लेकिन आप कोने में, वही कोने में खड़े रहना, चुपचाप कुछ मत बोलना, सिर्फ मजे लेना जैसे हमेशा करते हो, प्लीज। हाँ अरे यार, मेरी तरफ से कभी कोई गड़बड़ हुआ है? आपके आइडिया इतने फिसड्डी थे, असर ही ना किया, मतलब मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं चुपचाप देखूंगा। बेटर पिंटू जी,
अब देखना लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सोने की चैन, अरे ऐसे तो कई 500 रुपए आ जाएंगे, 500 के 15-20 हजार रुपए आ जाएंगे, चटक की तरह काम बन गया। बस निकल ले पतली गली से यहां से। जी जी भैया तौले पकड़, अब जी बता के अपने भैया को नाश्ता क्या खिला रही है। चप्पल और दो जोड़ी जूते फ्री। कैसा आदमी, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? ये बता भैया कि सुबह सुबह आदमी का नाश्ता भी ना मांगेगा, कैसी बात कर रहा है ये? देख रही करू, घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तेरे भाई को कुछ ना पड़ी है, अपनी मौज में है बस। छटंके भैया, कल रात से ना मेरी सोने की चैन ना मिल रही है, पता ना किसने चुरा ली। बताओ यार, 5 तोले की चैन घर से गायब हो गई है। मुझे तो लगता है किसी घर वाले का ही हाथ है इसमें। दीदी दीदी तू कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे हमें नाश्ता नहीं देना है मत दे, तो कम से कम बुरी खबर तो मैं सुना सुबह सुबह में। सरगम बेटा जल्दी आ बाहर। जी अंकल। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि तू ना अपना सामान जो है सारा संभाल के रख, देख ले, चेक कर ले चोरी हो रही तो ना हो गया, क्योंकि हमारे घर से तो 5 तोले की चेन जो है करू की चोरी हो गई है। नो नो अंकल, मेरा सारा सामान तो सूटकेस में लॉक्ड है। सूटकेस का क्या, सूटकेस तो मतलब बालों के पिंड तो खुल जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टंटन सर जी पंचम। अबे इधर आ जरा। जी सर जी। अरे बड़ी पब्लिक इकट्ठी यहाँ पे, क्या हो गया? पिंटू भाभी, मम्मी की ना सोने की चेन गुम हो गई है, पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। घर से कुछ चीज ऐसे गायब होती है, किसी ना उड़ाई है। बर्तन तूने देखी? नहीं सेठ जी, हमने नहीं देखी। हाँ जी सेठ जी। अरे आइए अमलदार साहब, आइए। अरे सेठ जी क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? अरे वो अमलदार साहब क्या है कि वो घर से जो है 5 तोले की चेन इसकी करू की थी, वो चोरी हो गई। आपके घर में चोरी? तो एक काम कीजिए, आप थाने आइए, FIR लिखवाइए, फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं नहीं मांगी अंकल, आप पहले चैन ढूंढ तो लीजिए घर में। अरे इलायची बेटा, चोर चैन चोरी करके तुम्हारे घर के दरवाजे पे बैठ के ना हुक्का ना गुड़गुड़ाने वाला, वो तो फरार हो गया होगा पक्का। अरे देखिए अवलदार साहब, आपका काम है ना तलाशी करना, तो आप अपना काम करो ना, तलाशी करो, हो सकता है कि घर के किसी इंसान ने दबा ली हो। ठीक है सर जी, फिर आपके कमरे से शुरू करते हैं। अरे ना ना, मैंने तो अपने कमरे में पूरी तलाशी कर ली, वहां कुछ ना मिला। अच्छा तो ये है ना इलायची, इसके कमरे में देख लेते हैं। नहीं नहीं, अब मेरे कमरे में तो मैं और मेरी दोस्त सरगम रह रहे हैं। वैसे भी 2 लड़कियों के होते हुए चोर की चोरी करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। काली पीली ना, तुम भी बात का पतंगा बना रहे हो, जीजा खामखाई वाली बात कर रहे हो, तुमने तिजोरी में रख दी होगी, तुम कहाँ बाहर रखने वालों में से, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ फालतू की। मैं क्या कह रहा हूँ हमदर साहब, मैंने बरसाती छोड़ के बाकी सब जगह वैसे ढूंढ लिया चेन। अरे सेठ जी, हर जगह आपने तलाशी ले ली है तो फिर मैं क्या उखाड़ूंगा, मैं चलता हूँ फिर। ना ना आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बरसाती को छोड़ के बाकी सब जगह ढूंढ ली है, तो मैं सोच रहा था कि बरसाती में आप एक बार तलाश लेते तो। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपके कहने का मतलब ये कि हम चोर हैं जो आप हमारे कमरे में तलाशी ले रहे हैं? सुन टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ वही, ये कोई सुई में डला हुआ धागा ना है, समझ रहा है, 5 तोले की चेन है, ढूंढनी तो पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, फिर बरसाती देख लेते हैं। हाँ एक सेकंड सेठ जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम चोर हैं क्या? नहीं जीजा जी, पापा बस एक बार तसल्ली करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं लाइसी जी, वो बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप लोग हम पर विश्वास नहीं करते ना। पंचम सच क्या है झूठ क्या है अभी पता चल जाएगा, ठीक है, अब मुंह ना खोलो, चलो आइए सर जी, चलो चलो चेक करते हैं। चलो Thank you.
अंकल अंकल आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पंचम चोरी नहीं कर सकते। अरे मैं कहां कह रहा हूं कि इसने चोरी की है, है? पुलिस अपना काम कर रही है तो करने दे। ये गलत बात है सेठ जी, हम गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आत्मसम्मान नहीं। अपनी आत्मा को शांति दे, मैं कौन सा तेरा जो है बंदूक की नोक पर तुझे इल्जाम लगा रहा हूँ तुझ पे। अगर आप इल्जाम नहीं लगा रहे तो क्या कर रहे हैं? ये मंगी भाई साहब हमारे कमरे की तलाशी क्यों ले रहे? चीचा जी आप बात करना उल्टा मतलब निकाल रहे हैं, हो सकता है कि चेन यहाँ पे गलती से आ गई हो, है ना? अच्छा एलआईसी जी आपको क्या लगता है कि चेन के पंख निकले हैं जो वो अपने आप उड़ के आएगी? अरे जीजा तू बेकार में यहाँ पर ढूंढ रहा है, जी जी ने वो चेन कमरे में रख दी होगी, बाद में ढूंढ लियो, घर की बात है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई यार। अरे सेठ जी, सेठ जी चेन तो नहीं मिली? ना मिली? अब एक काम करो अलमारी में तलाशी लो। हाँ अरे अलमारी में तो लॉक लगा हुआ है, है? मेरा कहने का मतलब क्या था, अलमारी है तो लॉक तो लगा ही होगा तो खोलना पड़ेगा ना, मेरा कहने का मतलब ये ना। मंगी अंकल मैं तो कहती हूँ कि चोर ने ना चेन छुपाई होगी ऐसी जगह पे जहाँ किसी की नजर ना पड़े। अब एक काम कीजिए आप किचन के डब्बों में एक बार देख लीजिए। हाँ डब्बों में चेक करो, डब्बों में। हाँ क्योंकि करूँ भी ऐसी जगह छुपाती है अपनी कोई भी चीज जब चोरी करती है, है ना? और खासतौर पे चावल के डब्बे में देखो, चावल के वहां जरूर होगी चेन। क्या है ना सेठ जी, मैंने डब्बे चेक कर लिए, कुछ ना मिला। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे मैं दावे के साथ बोल रही हूँ इस कमरे में कुछ नहीं है सेठ जी। हो गई तसल्ली सेठ जी, क्या मिला आपको हमें इस तरह से बेइज्जत करके? और मंगी भाई साहब एक काम करिए, सबकी तलाशी लीजिए, अगर चोरी हुई है ना तो चोर भी यही है और वो हम तो नहीं। अरे यार तू खा खा यार बात जो दिल पे ले रहे है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलो। एक मिनट कहाँ भाई, किधर जा रही हो नीचे? बेटा छटंकी सबसे पहले मैं तेरी तलाशी लूंगा, फिर बाद में किसी और की तलाशी की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो हवलदार साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप मुझसे? मैंने ये सब छोटे मोटे चोरी मोरी के धंधे ये सब गलत काम छोड़ दिए, कैसी बातें कर रहे हो? अरे डांट रहे हो यार। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कर। अबे हाथ ऊपर कर ले, ले। ना सीधे खड़े रह। भैया क्या कर रहे हो भैया? सेठ जी चैन मिल गई। इसकी बात कर लियो बेटा। ओ गॉड मामा जी, हमें वो ही तो सोच रहा कि मेरी पैंट में कहां से आ गई चैन, समझ में नहीं आया मेरे मतलब कैसे हो गया ये। मंगी भैया मुझसे गलती से गुम हो गई थी, छटंकी भैया की कोई गलती ना है। अरे ना 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 ना, मैंने जो है निकाली थी कि तिजोरी में रख दूंगा, इसलिए वो शायद इसे मिली और तू लौटाने के लिए तो रख रहा था अपनी जेब में। नहीं नहीं वो मम्मी ने मुझे ये चेन पहनने के लिए दी थी और मैंने लापरवाही में यहाँ कहीं रख दी थी, मामा को जरूर घर में यहीं कहीं मिली होगी, है ना? तो भाई ऐसा है आपस में ना आप लोग डिसाइड कर लो किसे जेल जाना है, आप सब ने पुलिस का टाइम बर्बाद किया तो जेल तो जाना पड़ेगा, है जी सेठ जी? चल बेटा तू चोर है चल। मम्मी भैया छोड़ दो ना, बहुत बदनामी हो जाएगी, और मैंने पकोड़े बनाए हैं प्याज के, पनीर के और गोभी के। क्या कहते हो खा लेंगे? क्या खा लेंगे? ये इस प्रकार के हैं। सुन बेटा इस बार तो तू बच गया, नेक्स्ट टाइम ना जेल में चक्के पिसवाऊंगा मैं। सेठ जी अपनी अमानत रखो। धन्यवाद, चलो भैया नीचे चलते हैं पकौड़े खिलवाओ। आइए हवलदार साहब पकौड़े खाइए। आजा आजा पीलू, पीलू बात सुन यार। अरे भगवान जी ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने, अरे थोड़ा बहुत लोगों को तंग कर दिया, शैतानी कर दी, अरे 200-400 रुपए पापा के गले से चुरा लिए,
कभी कभी झूठ बोल के फिल्म देखने चली गई और फिर चुपके मम्मी पापा से शादी कर ली। लेकिन लेकिन इसमें इतना बड़ा क्या पाप कर दिया, सजा पे सजा दिए चले जा रहे मुझे। इलू यार चुप कर जा, इतनी गलतियां गिनाएगी ना तो भगवान जी गुस्सा होके सीता जी के साथ साथ अंकल जी और आंटी जी को भी कनाडा भेज देंगे। तू चुप कर सुनू। आज मैं यहाँ चुप नहीं बैठूंगी। आपको पता है, अरे आपको पता है इतनी मुश्किल से इतने सीधे साधे जीजा जी मिले थे मुझे, इनको पटाना कोई आसान काम नहीं था। और शादी इतनी मुश्किल से मैंने शादी की, इतनी मुश्किल से एक पति मिला, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे कह दिया पति की कोई भी याददाश्त। इतनी सुंदर सुशील प्यारी, इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के वो सरगम के पीछे भाग रहे, मैं क्या करूं? नीलू टेंशन लेनी बंद कर, हम कोई नया जुगाड़ लगाएंगे। अरे नहीं बचा ना कोई जुगाड़ यार, कोई प्लान कुछ काम नहीं कर रहा है यार, खाली हो गई हूं मैं। नीलू यार ऐसी बात मत कर, तेरे जैसी चलाक चंड खाक लड़की के मुंह से ना ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। एक बात बता, तू यार मेरी हिम्मत बढ़ा रही है या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई है? चुप कर यार। समझ गई हूँ मैं सबको समझ गई हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं समझ गई हूँ कि मम्मी को कैसा लगता होगा, क्योंकि 24 घंटे बोलती रहती है मेरा तो भाग ही फूट गया। इलू तू इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, तू वो है जो एक डूबती हुई बोट में भी हौसला रखे कि क्या बताऊं अंदर कोई पानी की एकदम हैंडसम सा बंदा ही मिल जाए। तू चुप कर यार, कैसी दोस्त है, चुप। मुझे पता है ना, जब से जीजा जी मेरी लाइफ में, मैंने ऐसी उल्टी सीधे बातें करना बंद कर दिया। मेरा दिल जानता है कि मैंने अपने मन अपने ख्याल में भी एक बार भी जीजा जी के सिवा किसी और को आने नहीं दिया। ख्याल में क्या, पूरी की पूरी हार्ट पास की लड़की ले आए अपनी जिंदगी में। या तो रोना बंद कर, अब इसमें जीजा जी की भी क्या गलती है, उनकी भी तो याददाश्त खोई है ना इलू। याददाश्त नहीं खोई है सुनो, मेरे मोहब्बत खो गई, मेरे मोहब्बत खो गई। भगवान जी कैसी है भागल हूं मैं, पति है लेकिन उस पर हुक्म नहीं चला सकती, अपने इशारों पर नहीं नचा सकती, उसकी बैंड नहीं बजा सकती हूँ, क्योंकि आपने हक छीन लिया मुझसे, है ना। अब मैं क्या करूंगी, ऐसे तो मैं जैसे रेत फिसलती हूँ वैसे अपने पति को फिसलते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। भगवान जी या तो आप मेरे पति को मुझे वापस लौटाइए या फिर मैं इसी मंदिर की इसी घंटी से अपना सर फोड़ के अपनी जान दे दूंगी। ओए दिमाग खराब हो गया तेरा, ये भगवान जी के मंदिर का ना घंटा है, ऐसे सुसाइड वाला पंखा नहीं, चुप कर। नहीं सुनू, इन्होंने मेरी खुशियां छीनी और अब ऐसी घंटी। बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। गुड बाय सुन्नू। इलू नहीं, इलू नहीं, मैं चाहती हूँ कि इलू नहीं, इलू नहीं, इलू नहीं, प्लीज नहीं, अरे तू जा यार। अच्छा हुआ हम यहाँ से जा रहे हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती सहनी होती अब। अरे यार तू फालतू परेशान हो रहा भाई, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, सेठ जी इतने बुरे इंसान ना है। क्या हो गया तुझे,
हैं? तू तो बस सेठ जी की साइड ले। अच्छा ही हुआ जो हुआ, कम से कम ये बाप बेटी से छुटकारा तो मिलेगा। जीजा जी, जीजा जी, जल्दी चलिए। अब क्या हुआ सुनीता जी, बस करिए, हमें आप लोगों के इस नाटक में नहीं पड़ना है, प्लीज। जीजा जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, इलू मंदिर गई है अपने बुरे कर्मों की माफी मांगने। नहीं, अपनी जान देने। वो मंदिर के घंटे से अपना सर फोड़ के अपनी जान दे रही है। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे वो? अरे क्यों करेंगे यार, तुझे कुछ समझ ना आ रहा? तेरी आंखों मोतियाबिंद हो गया, तुझे कुछ दिखाई ना दे रहा। अरे यार पंचम इलायची जी तुझे प्यार करती है, हर समय दीवानों की तरह तेरे आगे पीछे डोलती रहती, लेकिन तुझे दिखाई ना देता है? अब जब तू उन्हें छोड़ के कनाडा जा रहा है, तू बेचारी क्या करे? इलायची जी हमसे प्यार करती है? ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? जीजा जी हम सच बोल रहे हैं, इलू आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और अब कनाडा जा रही है, इस गम में अपनी जान दे रही है। क्या बोल रहे हैं आप सुनीता जी, इलायची जी हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बल्कि वो तो हमारी जान लेना चाहती है, ऐसा लगता है कभी कभी। नहीं जीजा जी, मेरा विश्वास कीजिए, वो आपसे सच्चा वाला प्यार करती है, और अब चलिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। क्या? अरे यार भाई तू यहाँ बातें मत कर, चल जा जल्दी जाके उनको बचा लेते, नहीं मरमरा गई ना तो चुड़ैल बन के तुझे चिमट जाएंगी, पूरी जिंदगी तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बस बस ठीक है, तो ये इलायची जी भी ना